नहीं, she had pointed out. जी. एक बात और आपको बताएं कि हम जो सिंध के स्कूलों में मेरा काम है, मैंने 11 डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं स्कूल्स में, वहाँ हालात ये कि गोस्ट स्कूल पे तो चले आप रो पीट के चुप हो जाएं कि ये गोस्ट स्कूल है ही नहीं. वहाँ पर कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो हैं और वो हमारी कौम के बच्चों के साथ वो सलूक कर रहे हैं कि हम अभी पिछले दिनों बड़ा डिसलेक्सिया का शोर मचा के जी बच्चे डिसलेक्सिक हों उनको आप पकड़ें देखें उनके साथ ट्रीटमेंट करें. मेरा कहना यह है कि हमारे टीचर्स नॉर्मल बच्चों को डिसलेक्सिक बना रहे हैं, उनकी क्रिएटिविटी को मार रहे हैं. गवर्नमेंट स्कूल्स में टारगेट ये होता है कि सातवीं आठवीं से बच्चा भाग जाए, हमारा लोड कम हो जाए, हमारा काम कम हो जाए. हम सुकून से आए आके वहाँ बैठे सोए चाय पिए और नौकरी खत्म, दोपहर को दूसरी नौकरी कर लेंगे. तो मसला हमारा ये है कि जो कुछ है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है और उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिना काजमी टेलीफोन लाइन पे हमसे बात करने का. यकीनन बड़ी चश्मकुशा ये बातें आपने बताई हैं और जैसे कि डॉक्टर आरिफ अलवी भी बैठे हुए हैं, हम इनसे भी यही कहेंगे कि अपनी जो भी अपना मैनिफेस्टो है, इनका मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा है, बड़ा अच्छा है, खूबसूरत है, उसमें तालीम का भी जिक्र है, मगर अब पोलिटिकल विल जो है पोलिटिकल विल कुछ ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ कि 4-5 साल अगर कोई पार्टी कोई हुकूमत 5 साल एजुकेशन पर खर्च करे सही तरह से, तो आपका जो आठवीं वाला है ना वो इंटरमीडिएट में निकल जाएगा और जो इंटरमीडिएट वाला है वो पीएचडी और एमएस कर लेगा. तो लिहाजा ये तो बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी सिर्फ 5 साल. मैं तो कहता हूँ ज्यादा लंबी बात ही नहीं कर रहे. आप तो एक पॉजिटिव चीज कह रहे हैं ना, अभी जैसे डॉक्टर हिना ने ये कहा कि हमारे यहाँ अंदर इंटीरियर में स्कूल्स का तो ये आलम है, गवर्नमेंट स्कूल्स का, कि वहाँ इतना बच्चे को डरा के वहशत या जो कुछ भी करते हैं कि वो चाहते हैं 7वीं 8वीं से ये भाग जाए ताकि उनका लोड कम हो जाए. कमाल है, ट्रेजिक सिचुएशन. अच्छा, प्लस आप देखिए, अब कैरी लूगर बिल हमें हजम कराया गया कि जनाब इस पर हेल्थ एजुकेशन वेलफेयर पर जाएगा. आपने कुछ दिनों पहले एक अंदरीब अब्बास, उन्होंने आर्टिकल लिखा, शायद डेली टाइम्स में लिखा, जिसमें वो उन्होंने ये लिखा कि जनाब 70% ये सारा कंसल्टेंसी में जाएगा, ये सारा कंसल्टेंसी में जाएगा और आप मकरूज हो गए. और आपको मालूम है आप कितने मकरूज हैं? आप अंजुम रिजवी साहब आप 50,000 रुपये के मकरूज हैं. आपको मिले कुछ नहीं, वो आपको पता ही नहीं. आपका हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर औरत 50,000 रुपए का मकरूज है. पाकिस्तान मकरूज पैदा भी हो रहा है, पैदा हो रहा है, जिंदा है वो 50,000 रुपए. 50,000 रुपए का, और किसको मिला, कहाँ गया? डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पे जाते हैं. सरे महल गया होगा या सारे राह कहीं गिर गया होगा. एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं. खवातीन और हज़रात, डॉक्टर आरिफ अलवी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं. एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और इस गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, लेट्स टॉक प्रोग्राम लाइव चल रहा है. आपकी टेलीफोन कॉल्स का शुक्रिया. स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर आरिफ अलवी साहब. इससे पहले कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, एक टेलीफोन कॉल है, ज़रा किसी कॉलर से बात कर लेते हैं और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं. जी सलाम अलैकुम. जी कौन साहब और कहाँ से? जी ज़रा अपने टेलीविजन की आवाज़ को थोड़ा सा आहिस्ता कर लिए, वो आवाज़ का फीडबैक आ रहा है. I am Tufail speaking from Karachi. Tufail saab Karachi se. Yeah. I just want to ask one question from Dr. Alvi. Ji, Dr. Alvi. Farmaiye. Main ye puchna chahta hu Dr. Saab se ke main Imran Saab ka bahut bada fan hu. And I know ke you are general secretary of that party. Lekin ek baat main what I want to say कि मेरा एक दोस्त है, इनसे ट्रीटमेंट कराता है घनबन, इनका इनकी क्लिनिक है वहाँ पर नियर ब्लोच कॉलोनी, डेंटल हॉस्पिटल और यू कैन से डेंटल क्लिनिक और डेंटल हॉस्पिटल. तो वो मुझे ये बता रहा था कि मतलब कि इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है कि वहाँ पर कोई गरीब आदमी इस हॉस्पिटल के सामने से गुजर नहीं सकता है. यानी डेथ इज सो एक्सपेंसिव. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एलवी साहब तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गरीबों की बातें करते हैं, लेकिन उनके अस्पताल में गरीब से छोड़ दे एक अमीर आदमी भी, एक खासा मिडिल क्लास का आदमी भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है. देखिए पहले तो आपके गोश गुजार कर दूं कि एनडी खान नहीं, मेरे साथ डॉक्टर आरिफ अलवी बैठे हुए हैं पाकिस्तान के. नहीं, मेरी बात कर रहे हैं, मैं जवाब देता हूं. अच्छा, आप देंगे क्योंकि मैं इमरान खान के हॉस्पिटल की भी बात करने वाला था. शौकत खान इनकी आरिफ अलवी साहब के. ठीक, मैं जरूर इसका जवाब दे दूं. देखिए डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गरीबों की बातें करते हैं, लेकिन आप एक गरीब की तो बात छोड़ दें, एक मिडिल क्लास का आदमी भी आपके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता है.
तो ये क्या, ये आप टीवी पर तो इतनी अच्छी बातें करते हैं, तो आप हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करें कि जब आप पावर में आएंगे तो आप अमीरों की खिदमत करेंगे? क्या आप उतना टैक्स देते हैं? आप जो अर्न कर रहे हैं तो जी जरूर नहीं, नहीं आप सुनिए तो सही ना, आप तो एक तो इल्ज़ाम लगाएं, अब सुन लें। देखिए मैं टैक्स देता हूँ, नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड रहेगी, मैं लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करता हूँ, है ना। मेरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इस वजह से ज़रूरी है कि मैं वडेरा नहीं हूँ, जागीरदार नहीं हूँ, और मैं जिन स्किल्स के एतबार से जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता हूँ उसका चार्ज करता हूँ। अच्छा, जहाँ तक मेरी सर्विस का ताल्लुक़ है कि गरीबों के साथ क्या करते हैं, तो वो मैं मुख्तलिफ अंदाज से ज़रूर करता हूँ, मगर मेरे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जिस तरह से इट्स नॉट अ चैरिटी हॉस्पिटल, ये कार्य खैर का हॉस्पिटल नहीं है, मगर गुड सर्विस और वो स्टैंडर्ड जो बाहर के मुल्कों की चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो चीज़ $10,000 में बाहर होगी वो मेरे अस्पताल में $2,000 के एतबार से होगी। तो थिंग्स आर एक्सपेंसिव एंड आई चार्ज वेल एंड आई डू गुड सर्विस। बहुत बहुत शुक्रिया, आप टेलीफोन कॉल का आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब से बात भी हो गई, जवाब भी आ गया। बात तो ये हो रही थी कि हम जरा कुछ सियासी चीज़ों के लिए बैठे हुए थे, लेकिन वो डॉक्टर साहब नहीं सही है। ये इसमें कोई हर्ज नहीं है कि लोग इस किस्म का सवाल करें, क्योंकि ये हक अवाम का है कि वो पूछें कि आपके ज़रिया आमदनी कैसी है, है ना, आप क्या टैक्स देते हैं, ये सब उनका हक ज़रूर है, है सही है। और आपने जवाब भी दे दिया कि टैक्स फेयर है। अगर एक और कोई कॉलर है तो जी, अच्छा नहीं है कोई कॉलर। डॉक्टर साहब, अब बात हो रही थी, अब आ गई बात एजुकेशन पे भी आ गई, अब तहरीक इंसाफ का जो मंशहूर है उसमें कुछ एग्रीकल्चर का भी मैंने कुछ पढ़ा था, कुछ तालीम का भी पढ़ा था कि आप काफ़ी एंथुसियास्ट हैं, तो लगे हाथों से अपना वो भी तो बताइए कि क्या मंशहूर है। और हाँ, उससे पहले मैं जो आ रहा था, पहले तो टीप का बंद तो रह गया मेरा जी, जी। कि ये मिड टर्म इलेक्शन का अब आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, मैं खान साहब ने इस बात को रखा था, जब हालात ख़राब हों और जब मामला ही नहीं चल रहे हों, और जब आप पार्लियामेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हों कि मामलात चलें, है ना, तो जमहूरी हक ये बनता है कि जब हालात ख़राब हों तो आप कहें भाई दोबारा इलेक्शन कराओ, ये लोग इस काबिल नहीं है कि ये चला सकें। अच्छा, मगर पिछले दिनों इन्होंने दो तीन बातें, NFC अवार्ड एक मस्बत काम किया, है ना, ये आईनी पैकेज एक मस्बत काम किया, तो लिहाजा हम इसके ऊपर भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर रहे, मगर खान साहब ने कहा ज़रूर है कि एक सोल्यूशन ये है कि मिड टर्म इलेक्शन करा कर क़यादत बदली जाए, है ना, तो वो एक सोल्यूशन ज़रूर है और जमहूरी हक है। आपने अभी पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा एक अंग्रेज़ी इस्लामे में, और जिसमें आपने अपनी पार्टी पॉलिसी को भी वाज़े किया, हाँ। और आपने ये भी किया, आपके जो लीडर हैं इमरान खान साहब, जो मुख्तलिफ जगहों पे आके स्टेटमेंट भी देते हैं और लिखते भी हैं और टेलीविज़न पे भी आते हैं, जब वो ये कहते हैं कि तालिबान से गुफ्तगू कर लो, तो बहुत सारे क्वार्टर्स जो हैं उसकी मुखालफत करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने तो ये उंगली उठाई थी कि क्या इमरान खान तालिबान का एक्सटेंशन तो नहीं हो गए। उस पर बेस करके आपने ये आर्टिकल लिखा है, जिसमें कि आपने कुछ ये कहा है कि आप लोग टेररिज़म को तो यकीनन सपोर्ट नहीं करते और उस रिजिड फंडामेंटलिज्म को भी सपोर्ट नहीं। आपने इसमें जो दलील दी है वो ये है कि अगर अमेरिका जो है, जिसकी कि मेन जंग चल रही है इस वक्त तालिबान से, अलकायदा से, जब वो गुड तालिबान बैड तालिबान की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और अब दरपर्दा शायद कुछ उनकी बातचीत भी हो रही है, तो इमरान खान वाज द फर्स्ट, जरा सा कुछ एक्सप्लेन कर भाई साहब। मैं समझता हूँ कि ये वजाहत करना इस वजह से ज़रूरी था कि हम शुरू से कह रहे थे कि टेररिज्म जो है वो मल्टी फैक्टोरियल है, एक वजह से नहीं है। बुश साहब ने, आपको याद होगा, ये कहा था कि ये हमारी फ्रीडम्स के ख़िलाफ़ हैं, ये हमारी जमहूरियत के ख़िलाफ़ हैं, एक तो वो फ़लसफा उन्होंने भगारा। फिर लोगों ने ये कहा कि ये टेररिज्म हो रहा है ना, इसमें हूरों का वादा किया जा रहा है लड़कों से, और जो अपने आप को खुद कश हमलों में डाल रहे हैं। फिर हमने ये भी कहा कि नहीं, हालात भी ख़राब हैं, उसको भी सोच लो। तो अगर वजूहात बहुत सारी हैं तो हर वजह को हैंडल कर लेना चाहिए, है ना, कोई सर के दर्द का एक इलाज है, पेट के दर्द का एक इलाज है, इस तरह से डेवलपमेंट नहीं है उन एरियाज़ में उसको भी देख लो, तालीम नहीं है उसको भी देख लो, तो मल्टी फैक्टोरियल ओरिजिन है। तो हमने ये कहा कि ये हर चीज़ को तालिबान लेवल के अंदर मत डालो। अब एक खातून अभी आपके प्रोग्राम में जिन्होंने टेलीफोन किया ना, वो लिंग्विस्ट है मिसाल के तौर पर। अच्छा, ये लिंग्विस्टिक सिमेंटिक अल्फाज की तब्दीली के साथ बहुत बड़ा फ़ायदा भी उठाया जाता है और नुकसान भी होता है। एक चीज़ को, एक जद्दोजहद को इन्होंने वॉर ऑन टेरर कह दिया। जब वॉर हो गई ना, तो इसका मतलब कत्ल हो, गारतगरी करो, सब कुछ जायज़ हो गया, वो सिमेंटिकली वो टर्म गलत थी। अब आपको मैं आपके सामने एक बात ये रखता हूँ, जैसे कोलेट्रल डैमेज है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि तो बड़ी वाहियात टर्म है कोलेट्रल डैमेज, यानी अगर एक आदमी को आप मारने जा रहे हैं ड्रोन से और 50 आदमी और मर रहे हैं या 20 और मर रहे हैं, तो कोलेट्रल डैमेज तो नहीं हुआ, तो कोलेट्रल मर्डर हुआ।
है ना। तो इस तरह से हमने ये कहा कि इन हालात को देखने के लिए और समझने के लिए ज़रूरी है कि उन एरियाज के अंदर जाकर आप बात भी करें और उसको हैंडल करें। अब देखिए, अमेरिका तैयार है बात करने के लिए, आप कहते रहे नहीं हम बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। आपके टेलीविजन चैनल्स, आप नहीं, आपके टेलीविजन चैनल सारे ये कहते रहे कि एक ही तालिबान है। अगर आपने अच्छा हमने तो तालिबान